प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के इतिहास विषय में आज तीसरा अध्याय सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख तत्व जैसे भवन, विशाल स्नानागार, सभागार, अन्न कोठार, मकान तथा नगर नियोजन का अध्ययन करेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख तत्व। इस सभ्यता के कुछ विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं। देखिए, नंबर एक, भवन। सिंधु घाटी के नगरों में अनेक शानदार विशाल सार्वजनिक भवन, पूजा स्थल, स्नानागार, अन्न कोठार आदि होते थे। ये सभी भवन या दुर्ग में स्थित होते थे। कहाँ स्थित होते थे? भवन में या दुर्ग। दुर्ग में सोता किला, या किले में स्थित होते थे। देखिए, विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक आयताकार तालाब था जो दक्षिण भारतीय ताला मंदिरों के तालाबों जैसा था, जो दक्षिण भारतीय मंदिरों के तालाबों जैसा था। यह लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा तथा 2.4 मीटर गहरा था। इसके दोनों तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियाँ थीं जो पक्की ईंटों से निर्मित थीं, यानी बनी हुई थीं। इसकी सफाई नियमित रूप से की जाती थी। स्नानागार के चारों ओर वस्त्र बदलने के लिए छोटे कमरे थे। संभवतः धार्मिक अवसरों पर सामूहिक स्नान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। आगे देखिए, सभागार। यह एक विशाल भवन था जो 69 मीटर लंबा, 23.4 मीटर चौड़ा था। यह ऊंचे खंभों वाला एक विशाल कमरा था। इसकी दीवारें 1.5 मीटर चौड़ी थीं। दीवारें इसकी 1.5 मीटर चौड़ी थीं। संभवतः यह कक्ष प्रशासनिक खंड, सभागार, प्रार्थना स्थल या सांस्कृतिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होता था। अगला देखें, अन्न कोठार। यह मोहनजोदड़ो के दुर्ग में विशालतम भवन था। अनाज के परिवहन की सुविधा के लिए यह नदी के निकट बनाया गया था। यह आयताकार भवन 45.7 मीटर लंबा तथा 15.2 मीटर चौड़ा था। हड़प्पा में 6 अन्न कोठार थे। कितने थे? 6। हड़प्पा में स्थित अन्न कोठार के दक्षिण में ईंटों का एक चबूतरा था जो अनाज को फटकने के लिए बनाया गया था। निकट ही श्रमिकों के रहने के लिए शिविर भी बने हुए थे। इस अन्न कोठार की व्यवस्था अन्न भंडारण के लिए की गई थी। आगे मकान। नगर का निचला भाग प्रमुख रिहायशी भाग था।
जहाँ अधिकांश व्यक्ति रहते थे। ये मकान एक या दो मंजिले होते थे। इमारतें ईंटों, लकड़ी तथा पत्थर से निर्मित होती थीं। प्रत्येक मकान में दो या तीन रिहायशी कमरे, स्नानघर, रसोई, एक आंगन तथा कुआं होता था। नगर नियोजन। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग नगर नियोजन में अत्यंत दक्ष थे। वे नियोजित रूप से बसे हुए नगरों में निवास करते थे। नगर के दो प्रमुख भाग थे, निचला भाग या नगर तथा ऊपरी भाग या दुर्ग। देखिए, निचला भाग या नगर, यहाँ साधारण लोग रहते थे। नगर का यह भाग आयताकार खंडों से बना हुआ था। चौड़ी सड़कें तथा गलियां परस्पर 90 अंश का कोण बनाते हुए जाल सा बनाती थीं। सड़कों पर प्रकाश के लिए लैंपों की व्यवस्था थी। सड़कें पकी हुई ईंटों से निर्मित तथा साफ सुथरी होती थी। नगर की सीमा के अंदर कारखाने या बेकरियां स्थापित करना निषेध था, जिससे प्रदूषण न हो। ऊपरी भाग या दुर्ग, यह नगर का ऊपरी भाग था, जो एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित था। यह संभवतः प्रशासनिक भवन था, जहां शासक वर्ग निवास करता था। दुर्ग ऊंची दीवारों से घिरा था, जो इसे सिंधु की बार बार आने वाली बाढ़ों से सुरक्षित रखती थी। दुर्ग के अंदर धान्य कोठार, विशाल स्नानागार तथा सभागार स्थित थे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक वीडियो देखें, समझें और अपनी भाषा में लिखकर इसे होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।